केदारनाथ घाटी को अक्सर स्वर्ग का द्वार भी माना जाता है। कहा जाता है कि केदारनाथ में जो व्यक्ति संकल्प लेकर आ जाता है उसे धरती में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो आखिर क्या है केदारनाथ के पीछे की वो अनोखी कहानी जो बनती है इसे बाकी शिवलिंगों से अलग, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। केदारनाथ के बारे में प्रचलित है कि जब विष्णु भगवान ने भगवान शिव को बद्रीनाथ से बड़ी चालाकी से बाहर कर दिया था तब भगवान शिव ने केदारनाथ का रुख किया था। कहते हैं कि भगवान शिव बद्रीनाथ में माता पार्वती के साथ निवास करते थे। एक बार विष्णु जी बद्रीनाथ आए, उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपना बनाने का विचार किया। विष्णु भगवान ने बच्चे का रूप लिया और जोर जोर से रोने लगे। पार्वती माता बच्चे का रोना सुनकर भावुक हो गई और शिव जी के लाख समझाने पर भी उसे अपने घर ले आई। पार्वती माँ ने बच्चे को चुप कराने के लिए उसे सुला दिया और खुद शिव जी के साथ भ्रमण पर चली गई। विष्णु जी ने मौके का फायदा उठाकर दरवाजा बंद कर दिया और शिव जी से कहा कि वो बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ चले जाए। तब से भगवान शिव ने केदारनाथ में अपना ठिकाना बना लिया। पर सवाल ये उठता है कि केदारनाथ का ये शिवलिंग को शिवलिंगों से इतना अलग क्यों माना जाता है? इसका संबंध महाभारत के अंत से है। बात तब की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। कुछ समय बाद ही कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र आदि बुजुर्ग लोगों ने संन्यास ले लिया। एक दिन ब्राह्मणों ने पांडवों का बताया कि आपने युद्ध में कई योद्धाओं की हत्या की है, जिसके लिए उन्हें भगवान शिव की पूजा कर उनकी माफी लेनी जरूरी है। ये विचार कर सभी पांडव और कुंती महादेव शिव से क्षमा मांगने और संन्यास लेने पहाड़ों पर चले गए। पर भगवान शिव ने पांडवों की परीक्षा लेने का फैसला किया। भगवान शिव पांडवों से दूर जाने लगे। पांडव भगवान शिव की तलाश में जहां भी जाते शिव जी वहां से चले जाते। आखिर में गढ़वाल की पहाड़ियों पर उन्हें महादेव के दर्शन हुए, पर महादेव ने एक बैल का रूप लिया। जब पांडवों ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की और शिव जी उसी पल पाताल लोक जाने लगे, पर भीम ने किसी तरह उनका कोलू पकड़ लिया और उसे धरती पर जाने से बचा लिया। ये कोलू के आकार में शिवलिंग में बदल गया और वहां स्थापित हो गया। कहा जाता है कि शिव जी ने अपने आप को 5 टुकड़ों में बांट दिया। ये 5 स्थल 5 केदार कहलाते हैं। भगवान शिव बैल के रूप में आए तो उनके धड़ का भाग काठमांडू में पशुपतिनाथ, भुजाए टुंगनाथ, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में स्थापित हुए, जो सब 5 केदारों में शामिल है। भगवान शिव की पांडवों ने यहाँ पर पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने पांडवों के सारे पाप माफ कर दिए। साथ ही साथ उन्होंने पांडवों को स्वर्गारोहण का मार्ग भी बताया, इसलिए आज भी केदारनाथ को स्वर्ग कर मार्ग समझा जाता है। कैलाश और काशी के अलावा ये भगवान शिव के सबसे प्रमुख निवास स्थानों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि पूरे देश में सनातन धर्म की पताका फहराने के बाद आदि शंकराचार्य ने यही जाकर अपने देह को त्याग किया था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।